इसी तरह जो कास्को जो इंश्योरेंस है उसमें ये है कि वो आपकी मर्जी है, वो थोड़ा से ज्यादा पैसे लग जाएंगे। उसमें ये होता है कि अगर कल को आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या गाड़ी को किसी तरीके से आग लग जाती है, ठीक है, तो फिर अगर वो आपने करवाई हुई है तो जाहिर सी बात है वो नुकसान भी इंश्योरेंस वाले आपका भर देंगे, ठीक है जी, दोनों। लेकिन एक ओब्लिगो है आरसीए, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बार बार, और एक जो है वो फैकल्टेटिव, वो है मर्जी है, करवाएं तो भी ठीक है, ना करवाएं तो भी कोई नुकसान नहीं है। बहरहाल हम आज पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है रिजार्चिमेंटो, पेमेंट करना देदानी, जो नुकसान हुआ है इनसे दे चिविले हो गए जी। आपको चिविले कहते हैं वही जो मैंने आपको बताया कि चिविले केस हो जाना का मतलब है एक्सीडेंट हुआ है आपसे और नुकसान हुआ है जी कोजे का या पेसोने का, तो उसमें आपको चिविले हो जाएगी। और पेनाले कहते हैं, पेनाले थोड़ा सा और केस बन जाएगा, उसमें है पेनाले हो जाना, जेल हो जाना, यानी आपको वो होगा जब आपसे एक्सीडेंट होने के बाद सामने जो ड्राइवर था उसकी डेथ हो गई है, यानी वो ऑन द स्पॉट जो है या बाद में जो है उसकी इतनी गहरी चोटें आई कि उसकी डेथ ही हो गई, उसको पेनाले गिना जाएगा, ठीक है जी। दो केसेस आप पढ़ेंगे, चिविले है जी। आप कह रहे हैं कि की ए चिविल मैनते, कि जिसको चिविले केस हुआ है यानी एक्सीडेंट होने के बाद उस पे चिविले की जो इंश्योरेंस वो जो है वो पॉलिसी लागू हो गई, चिविले केस उस पे आ गया, उसके लिए ओब्लिगातो आ रिजा चीरे ए दानी, उसके लिए फिर जरूरी होगा जी रिजा चीरे भरपाई करना, हर्जा ना भरना, जो वर्ड आपको आसान लगे, ठीक है, वो उसकी पेमेंट करेगा। दानी जो नुकसान हुआ है प्रोवोकाती दा उन सिनिस्ट्रो स्ट्रादाले रोड एक्सीडेंट होने की सूरत में, सी लिबेरा दल ओब्लिगो से रिजा चीर से इल दाने जातो, फिर अगर वो ये नुकसान भर देता है तो वो लिबेरा आजाद हो जाएगा।